मानसून सत्र खत्म होने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांगड़ा के एक दिवसीय दौरे पर कांगड़ा पहुंच चुके हैं। कांगड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विधायकों की यात्रा भत्ते में की गई बढ़ोतरी को गलत तौर तरीकों से प्रचारित किया जा रहा है, जबकि ये बहुत कम बढ़ोतरी है, जिसे जनप्रतिनिधि होने के नाते विधायकों के लिए बढ़ाना अति जरूरी था। इतना ही नहीं, 90% विधायक इस भत्ते का प्रयोग भी नहीं करते हैं और जो इसका प्रयोग करते हैं उन्हें भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मानसून सत्र खत्म होने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांगड़ा के एक दिवसीय दौरे पर कांगड़ा पहुंच चुके हैं। कांगड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विधायकों के यात्रा भत्ते में की गई बढ़ोतरी को गलत तौर तरीकों से प्रचारित किया जा रहा है, जबकि ये बहुत कम बढ़ोतरी है, जिसे जनप्रतिनिधि होने के नाते विधायकों के लिए बढ़ाना अति जरूरी था। इतना ही नहीं, 90% विधायक इस भत्ते का प्रयोग भी नहीं करते और जो इसका प्रयोग करते हैं उन्हें भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जबकि अब इसे सही करने की कोशिश की गई है। कांगड़ा पहुंचते ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ताबड़तोड़ उद्घाटन और शिलान्यास भी किए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर बने सनोरा चौक से मुख्य संपर्क मार्गों और विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में करीब 200 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। यहां उन्होंने कांगड़ा पुलिस स्टेशन की भी नींव रखी। विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद हमारा अभी पिछले कल पछाड़ विधानसभा क्षेत्र सिरमौर जिला के अंतर्गत कार्यक्रम था, आज हम यहाँ कांगड़ा पहुंचे हैं और गणेश चतुर्थी है। मैं प्रदेशवासियों को सबको, कांगड़ा वासियों को सबको गणेश चतुर्थी के इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। बाकी आज बहुत सारे जो हमारे विकास कार्य जहां इस विधानसभा क्षेत्र में, कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो लंबित थे, जो इंतज़ार कर रहे थे, उनकी शुरुआत की है। सुबह सड़कों की लगभग 5 करोड़ की लागत से हमने वो शिलान्यास किया और दूसरा अभी यहाँ पर जो हमारा थाने, जो हमारा कांगड़ा का जो मेन थाना है, पुलिस स्टेशन है, उसका यहाँ पर फाउंडेशन 5.5 करोड़ की लागत से ये भवन बनकर के तैयार होगा। और इसके अलावा कांगड़ा में और भी विकास कार्य के साथ साथ में धर्मशाला में भी आज बहुत सारे विकास कार्य को आगे बढ़ाने की दिशा में हम आए हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि सारे कॉन्सेप्ट को स्पष्ट नहीं किया गया है। विधानसभा के अंदर सारी बातों का सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों की ओर से जो आग्रह था, उसमें 2.5 लाख रुपए मिलता था यात्रा भत्ता और उसको सिर्फ 4 लाख किया गया। और 4 लाख करने के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जो यूटिलाइज करेगा विधायक उसको ही मिलेगा। वो ऐसा नहीं कि 4 लाख विधायक के खाते में चले गए, ये गलत धारणाएं कुछ जगह इस प्रकार से पहुंचाने की, डालने की कोशिश। और 90% विधायक इसका उपयोग ही नहीं कर पाते हैं। जब उपयोग नहीं करते हैं इस पैसे का, वो पैसा लैप्स हो जाता है, गवर्नमेंट के ही पास रहता है। तो इसलिए बहुत दिया ऐसा नहीं है, कुछ दिया है इतनी ही बात है, लेकिन मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को एक जनप्रतिनिधि के प्रति सम्मान का भाव ये रहना चाहिए। जनप्रतिनिधि सुबह से शाम तक, और शाम को ही नहीं मैं कह सकता हूँ, कई जगह तो ऐसी परिस्थिति होती है रात को भी काम करना पड़ता है। तो ऐसी जो है समाज के लिए जो काम करने वाले लोग हैं, तो उस दृष्टि से मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि ये बढ़ोतरी ऐसी नहीं है कि जिसको बहुत ज़्यादा जिस तरह से हाइप लोग समझने की समझाने की इसकी आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जहाँ तक जिस तरह से इसको गलत तरह से इंटरप्रेट किया गया, मैं यही कहना चाहता हूँ, हम अपने सारी चीज़ों को समझते हैं और अनावश्यक खर्च होना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये जिस प्रकार से मीडिया में प्रस्तुत करने की कोशिश हो रही है, उस दृष्टि से मुझे लगता है कि ये पक्ष जो मैंने आपके सामने रखा, 90% विधायक इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, और इस्तेमाल करते हैं जो पैसा वही मिलेगा। पहले पैसा जेब से खर्चना होता है और फिर उसके बाद जो टिकट होता है वो टिकट रिम्बर्समेंट के लिए वहाँ पर ब्रांच में जाता है, अकाउंट्स ब्रांच में जाता है, और उसके बाद फिर आगे जा कर के ऑडिट उसका होता है। ऑडिट से क्लियरेंस होने के बाद अगर सही पाया गया कि जो विधायक ने जो खर्चा सही किया है वही मिलता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं ऐसा मानता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं, इस बात से सहमत हैं। 46,000 करोड़ का हमको कांग्रेस की गवर्नमेंट के दौरान ऋण मिला है,
लेकिन हमने इसको रोका है, काफी हद तक रोका है। अभी मैंने विधानसभा के अंदर कहा है कांग्रेस जितना लोन प्रतिवर्ष लेती थी उसकी तुलना में हमने बहुत कम लोन लिया है, बहुत कम लोन लिया है। थैंक यू। देखिए उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कांगड़ा में एक बहुत बड़ा इवेंट जो है जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का हमने 8 और 9 नवंबर को यहाँ पर तय किया है, उसके माध्यम से कांगड़ा एक इंटरनेशनल मानचित्र पर होगा। देश विदेश से भी लोग आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए, और संभावना यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमने आग्रह किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ प्रधानमंत्री जी भी आएंगे। थैंक यू। देखिए ऐसा है कि कांगड़ा के स्थानीय विधायक आए ना आए वो उन पर है, लेकिन सरकारी कार्यक्रम है, विधायक को आना चाहिए, ये उनसे पूछना चाहिए।